वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस। लास्ट की क्लास में अपन इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज देखी थी, तो क्या होता है इनहेरिटेंस, किस तरीके से काम करता है, वो सब अपन देखेंगे। अगर अपन टाइप्स की बात करें इनहेरिटेंस की, तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि पहला इनहेरिटेंस टाइप होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा जो होता है वो होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और तीसरा मल्टी पल इनहेरिटेंस, और चौथा आपका होता है जिसको अपन कहते हैं हाइब्रिड, सॉरी उससे पहले अपन हायरार्किकल या हायरार्की। इनहेरिटेंस और लास्ट पांचवा अपन कह सकते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये पांच प्रकार के इनहेरिटेंस आपके होते हैं, सबको एक एक अपन डिस्कस करेंगे क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है। जैसे अपन बात करें सिंगल इनहेरिटेंस की, तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक क्लास को कोई दूसरी क्लास जो है वो आप क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट सिंगल इनहेरिटेंस। सपोज अपन पहले हेडर फाइल लेते हैं हैश इंक्लूड एस आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ पे अपन क्लास ले लेते हैं, सपोज क्लास ए लेते हैं, और यहाँ पर एक और क्लास ले लेते हैं क्लास बी। अपन ने दो क्लासेस लिए हैं। अब कभी भी जब भी किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उसका एक सिंटेक्स होता है। जैसे सिंटेक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस सिंटेक्स की बात करें तो पहले तो लिखते हैं क्लास, वह क्लास जो कि दूसरी क्लास को डिराइव कर रही है उस क्लास का नाम, फिर किसको इनहेरिट कर रहे हैं। जैसे अपन इसको इनहेरिट करें उस क्लास का नाम, उससे पहले उसका किस टाइप में इनहेरिट करना चाहते हैं, जैसे तीन टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। ये तो आपके इनहेरिटेंस के टाइप्स हो गए जब अपन एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। लेकिन जब अपन ये एक क्लास जो है वो अगर किसी क्लास को इनहेरिट कर रही है तो उनमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे यहां पर आ सकता है आपका पब्लिक या फिर प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब से क्या फर्क पड़ता है ये भी अपन एक क्लास में देखेंगे। अभी अपन ये मान लेते हैं कि अपन पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं, ये एक सिंटेक्स है। यहां पर मैं लिखता हूं पब्लिक और क्लास ए को मैं क्या कर लेता हूं, इनहेरिट कर लेता हूं। तो उससे क्या हो गया, क्लास ए के जितने भी फंक्शंस मैंने बनाए होंगे या बनाऊंगा वो सारे फंक्शंस क्लास बी में इनहेरिट हो जाएंगे। इनहेरिट तो होंगे, साथ ही साथ अगर मैं पब्लिक मोड में इनहेरिट कर रहा हूं तो क्लास ए के जितने भी पब्लिक फंक्शन है वो क्लास बी के पब्लिक फंक्शन हो जाएंगे। क्लास ए के जितने भी प्रोटेक्टेड फंक्शंस या मेंबर्स हैं वो क्लास बी के प्रोटेक्टेड मेंबर्स हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट, अगर
अगर अपन बात करें प्राइवेट मेंबर, तो किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं होते, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। अब माना कि यहां पब्लिक में मैं फंक्शन बना देता हूं void show a, इसका नाम ही रखा show a, और इसमें मैं लिख लेता हूं cout hello from class a। तो क्लास ए का अपन ने फंक्शन बनाया। इसी प्रकार अपन क्लास बी की बात करें, उसमें भी अपन फंक्शन ले लेते हैं शो शो बी, और यहां मैं लिख लेता हूं हेलो फ्रॉम क्लास बी। अब जैसे ही ये लाइन लिखी अपन ने क्लास बी, उसके बाद ये वाला पोर्शन लिखा, और इससे क्या होगा, क्लास ए जो है वो इनहेरिट हो चुकी है क्लास बी में पब्लिक मोड में। इसका मतलब इसके जितने भी पब्लिक फंक्शन थे वो क्लास बी के पब्लिक फंक्शन बन जाएंगे। तो अपन ने डिफाइन किया है केवल शो बी फंक्शन क्लास बी में, लेकिन इसके पास शो ए फंक्शन भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या किया, इनहेरिट किया है। उससे फर्क क्या पड़ेगा कि मेन फंक्शन के अंदर अपन क्लास बी के ऑब्जेक्ट से क्लास ए के फंक्शन को भी कॉल कर पाएंगे और क्लास बी के फंक्शन को भी कॉल कर पाएंगे। किस तरीके से देखते हैं, यहां मैं लिखूंगा केवल एक ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बी नाम का, और यहां बी डॉट शो ए लिख रहा हूं, उसी प्रकार बी डॉट शो ए लिख रहा हूं। तो बी ऑब्जेक्ट से अपन दो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एक शो ए नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एक अपन शो बी नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इसको सेव कर लेते हैं। इसका नाम लिखूंगा मैं सिंगल इनहेरिटेंस, ये सेव हो चुका है। आई कंपाइल इट, इसको अपन ने प्राइवेट कर दिया है, इसको पब्लिक करना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक मेंबर ही होते हैं जो आपके कॉल होते हैं इन फंक्शन में। तो देखो ये हो गया, और पहला लिखा हो गया हेलो फ्रॉम क्लास ए, फिर लिखा हुआ रहा है हेलो फ्रॉम क्लास बी। तो ये जो अपना आ रहा है लिखा हुआ, अब देखो ऑब्जेक्ट बना है केवल बी क्लास का, लेकिन इस बी क्लास के ऑब्जेक्ट से अपन ए क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं और बी क्लास के भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा केवल इनहेरिटेंस की वजह से हो रहा है। अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूंगा यहाँ से और इसको कंपाइल करूंगा तो क्या बोलेगा कि क्लास बी हैज नो मेंबर नेम शो ए, तो क्लास बी के बाद शो ए नाम का फंक्शन नहीं है, तो आप किस तरीके से कॉल कर रहे हो, आप कॉल नहीं कर सकते। तो उसी के लिए अपन ने क्या किया था, अपन ने इनहेरिट कर दी थी क्लास ए को, इससे उसके फंक्शन क्या हो गए अपने पास आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइप था, पहला टाइप जिसको अपन बोल रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस। इसी प्रकार अपन दूसरा फंक्शन बनाते हैं, दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि आपका कहलाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल की बात करें तो एक क्लास को दूसरी क्लास इनहेरिट कर रही है, उस दूसरी क्लास को तीसरी क्लास, और उस तीसरी को चौथी, एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसी क्लासेस हो सकती हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं क्लास ए, इसके कुछ फंक्शन लेंगे अपन क्लास बी, इसके कुछ फंक्शन लेंगे अपन क्लास सी, इसके कुछ फंक्शंस लेंगे अपन, और क्लास डी, इसके भी कुछ फंक्शंस लेंगे। और भी बहुत क्लासेस ले सकते हैं अपन, ने केवल
चार क्लासेस लिए। अब देखो यहां पर एक फंक्शन लिख लेता हूं, वही वाला फंक्शन void show है पब्लिक में, तो यहां पर ने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, जो ए कर देता हूं इसको मैं। सिमिलरली अपन जो क्लास बी है उसमें भी एक फंक्शन लेते हैं अपन, void show b। क्लास सी में एक फंक्शन लेते हैं void show c, और क्लास डी में एक फंक्शन लेते हैं void show d। अपन ने चार फंक्शन ले लिए, show a, show b, show c एंड show d, चार फंक्शन ले चुके हैं अपन। अभी चारों फंक्शन जो है वो क्लास एक, शो ए क्लास ए का है, शो बी क्लास बी का है, शो सी क्लास सी का है, शो डी क्लास डी का है। अपन ने कहीं भी किसी को भी इनहेरिट नहीं किया है, तो अगर मुझे क्लास ए का फंक्शन कॉल करना है तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, बी का कॉल करना है तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, है ना। जैसे यहां मैं फंक्शन बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सी का, सपोज सी, और मैं कोशिश करूँ सी डॉट शो ए करने की, और अगर मैं कॉल करूंगा तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपका कॉल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, मैं कॉल करके बताता हूँ आपको इसको किस तरीके से इसको कॉल करेंगे। इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल सेव इज इनहेरिटेंस, अपन कहेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको मैं कंपाइल करता हूं, तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि क्लास सी हैज नो मेंबर नेम्ड शो ए, क्लास सी के पास ऐसा कोई मेंबर है ही नहीं। तो अपन कैसे इस प्रोग्राम को करेंगे देखते हैं अपन। अब देखें क्या कर सकते हैं अपन, तो अपन क्या करते हैं, क्लास बी जो है ये इनहेरिट कर देगी पब्लिक मोड में क्लास ए को, तो बी के पास कितने फंक्शन होंगे, दो फंक्शन होंगे, कौन कौन से, शो ए और शो बी, ये दो फंक्शन होंगे क्लास बी के पास। इसी प्रकार अगर सी इनहेरिट कर देती है पब्लिक मोड में क्लास बी को, अब देखो बी इनहेरिट किया ए को, सी इनहेरिट कर रही है बी को, तो इससे क्या होगा, इसके पास तीन फंक्शन हो जाएंगे, दो तो ये वाले क्योंकि बी में ऑलरेडी ये दो फंक्शन थे, और तीसरा जो फंक्शन था आपका दैट इज शो सी, तो टोटल कितने फंक्शन हो गए, इसके पास तीन फंक्शन हो गए। उसी प्रकार अगर अपन डी क्लास में भी सी को इनहेरिट कर लें, तो पब्लिक में सी को इनहेरिट कर लिया क्लास को, तो इसके पास कितने फंक्शन हो गए, अब टोटल चार फंक्शन हो गए, कौन कौन से, तीन तो ये वाले क्योंकि सी में ऑलरेडी ये तीन फंक्शन थे, साथ ही शो सी वाला एक फंक्शन और एक इसका खुद का शो डी नाम वाला फंक्शन, ठीक है। तो अब अपन सी ऑब्जेक्ट से क्लास ए को, क्लास बी के और क्लास सी खुद के जो पब्लिक फंक्शंस हैं वो कॉल कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं डी ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो डी ऑब्जेक्ट से मैं क्लास ए के फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, क्योंकि डी के अंदर कितने फंक्शन हैं, शो ए शो बी शो सी एंड शो डी, चारों फंक्शन डी के अंदर आ चुके हैं। उसी प्रकार डी से मैं कॉल कर सकता हूं शो बी,
सिमिलरली अपन कॉल कर सकते हैं डी से शो सी, और उसी प्रकार अपन डी से कॉल कर सकते हैं शो डी। तो अपन चार फंक्शन कॉल कर सकते हैं, शो ए, शो बी, शो सी एंड शो डी। इसको मैं कंपाइल करता हूं, सही कर देते हैं। कोई भी रन नहीं है, रन करते हैं। तो देखो हेलो फ्रॉम क्लास बी, ओके मैसेज चेंज नहीं किया था, सबका मैसेज चेंज कर देते हैं। क्लास ए में मैसेज आएगा हेलो फ्रॉम क्लास ए, यहां मैसेज आएगा हेलो फ्रॉम क्लास बी, ये तो सही है। यहां मैसेज आएगा हेलो फ्रॉम क्लास सी, और यहां मैसेज आएगा हेलो फ्रॉम क्लास डी। ओके सो ये अपन सारे फंक्शन बना चुके हैं, इसको फिर से मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल हो गया, आई एम रनिंग। तो देखो हेलो फ्रॉम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, सारी क्लासेस जो है वो आपकी बन चुकी हैं। तो ये आपका था जिसको अपन कहते हैं मल्टी लेवल। मल्टी लेवल कैसे हो गया, ए को किया बी ने, बी को किया सी ने और सी को किया डी ने। तो सारी ये चीजें जो है वो क्या हो चुकी है, आपकी इनहेरिट हो चुकी है। एक और फंक्शन देखते हैं अपन जिसको अपन बोलते हैं मल्टीपल। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो क्लास सी तक तो मैं कॉपी कर लेता हूं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तक। क्लास सी तक मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और यहां कर दिया कंट्रोल वी। यहां लिख लेता हूं अपन जो प्रोग्राम बना रहे हैं, दैट इज मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है जब एक क्लास जो होती है वो दो या दो से अधिक क्लास को इनहेरिट करती है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा होके कोई एक रिजल्ट आता है। सिमिलरली उसी प्रकार क्लास ए है, अब क्लास बी जो है वो इनहेरिट नहीं करेगी किसी को भी, बी को एज इट इज रहने देता हूं मैं। क्लास सी क्या करेगी, ये पब्लिक मोड में क्लास ए को और पब्लिक मोड में क्लास बी को, दोनों को क्लास सी ने इनहेरिट कर दिया। तो अब क्लास सी के पास कितने फंक्शन आ गए, तीन फंक्शन आ गए, शो ए, शो बी और शो सी। क्लास बी के पास केवल एक ही फंक्शन है, क्लास ए के पास एक ही फंक्शन है। तो ए और बी दोनों को किसने इनहेरिट कर दिया, सी ने इनहेरिट कर दिया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब जब मैं मेन फंक्शन में आऊंगा तो अपन कॉल कर सकते हैं केवल ऑब्जेक्ट सी से, सी डॉट शो ए, C dot show B और C dot show C, ठीक है। अब इसको एक बार सेव कर लेते हैं, फाइल सेव इस, इसको हम बोलेंगे मल्टीपल इन हैरी टेंस। इसको मैं कंपाइल करता हूं, ओके यहां पर अपन ने क्लास बी बनाई है और यहां पर इसको ब्रैकेट नहीं बनाया, सही कर देते हैं, ब्रैकेट बना दिया है। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, नाउ रन इट। तो हेलो फ्रॉम क्लास ए, हेलो फ्रॉम क्लास बी, हेलो फ्रॉम क्लास सी। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, दैट इज नोन एज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिमिलरली व्हाट शुड वी डू, वी आर क्रिएटिंग वन मोर फंक्शन, दैट इज फॉर हाइब्रिड, सॉरी अपन कह सकते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल में क्या होता है, जब किसी एक क्लास को
किसी एक क्लास को दो या दो से अधिक क्लासेस इनहेरिट कर रही है। जैसे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, ये तो आपका ये अपन पढ़ चुके थे, ये मल्टीपल भी अपन कर चुके थे। ओके गिव मी 1 मिनट, इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी, आई जस्ट क्लोज इट, कैंसिल कर लेते हैं, नाउ इट रिस्पॉन्ड कर रहा है। चलो इसको क्लोज कर लेता हूँ। फिर से शुरू कर देते हैं, इट नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, तो मैं शुरू कर देता हूँ देव C++। एक बार ओपन भी कर लेते हैं जो भी अपन ने बनाए थे। लास्ट वाला आपका बनाया था अपन ने मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस था, प्रोग्राम नंबर 3 था ये। अब अपन बात कर रहे हैं, दैट इज वी कैन से हायरार्किकल, तो उसमें मैं सेम एक बार इसको कॉपी कर रहा हूं। देखो यहां पर इसको हम बोलेंगे हायरार्किकल, इसको अपन हायरार्की भी बोल सकते हैं। हायरार्की इनहेरिटेंस की बात करें तो सपोज क्लास ए है, तो क्लास बी जो है वो अगर पब्लिक मोड में क्लास ए को इनहेरिट करे और क्लास सी जो है वो भी क्लास ए को इनहेरिट करे, उससे देखो क्या हो गया, इसके पास क्लास ए और क्लास सी के फंक्शन आ गए आपके, और इसके पास बी के पास शो ए एक फंक्शन रहेगा और एक फंक्शन रहेगा आपके पास शो बी। तो क्या आने का मतलब यह है कि क्लास बी और क्लास सी जो है उसने क्लास ए को इनहेरिट किया कुछ इस तरीके से, एक पेरेंट था उसके दो चाइल्ड थे, उन दोनों चाइल्ड ने अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर दिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो यहां पर अपन अब सी के ऑब्जेक्ट से क्लास ए को कॉल कर सकते हैं और क्लास सी के खुद के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो एक तो ये कर सकते हैं अपन। सिमिलरली क्लास बी के ऑब्जेक्ट से अपन क्लास बी के फंक्शन क्लास ए के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और क्लास बी के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और सी से अपन बी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि सी ने किसी को इनहेरिट नहीं किया है। यहां पर अपन बी ऑब्जेक्ट से, बी ने ए को इनहेरिट किया तो ए का फंक्शन और बी का फंक्शन इनहेरिट हो सकता है, और सी ने भी ए को इनहेरिट किया तो ए का फंक्शन और सी का फंक्शन इनहेरिट हो सकता है। तो ये आपका इन मल्टी हायरार्किकल इनहेरिटेंस था, इसको अपन पहले सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर लिया, नो एरर्स, इसको रन करते हैं। तो ए बी और ए सी दोनों आपके कॉल हो चुके हैं, तो इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगला हाइब्रिड वगैरह तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। आई विल शेयर द ऑल द प्रोग्राम्स एंड थ्योरेटिकल नोट्स टू यू इन द योर क्लासरूम। किसी कोई भी डाउट हो तो आज की क्लास रहेगी अपनी 2 से 4 बजे, उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।